यार इतनी बुरी अपडेट, मुझे मुझे क्या, जितने भी यूट्यूबर हैं किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं है। तो मैं भी आपसे आज यही इतने गुस्से में बात इसीलिए कर रहा हूँ कि ये इतनी बुरी अपडेट जो न्यू क्रिएटर हैं, हमारे नए यूट्यूबर हैं, वो क्या करेंगे। तो चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूट्यूब की ये पॉलिसी थी कि अगर आप अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वाच आवर्स का जो टाइम है वो कंप्लीट करते हैं तो फिर आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जैसे ही ये दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती थी, आप अप्लाई कर देते तो आपका चैनल अंडर रिव्यू चला जाता था। और उसके बाद क्या होता था कि 2 से 3 दिन के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होकर आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन अब जो पॉलिसी बनाई है बहुत ही बैड पॉलिसी है और इससे काफ़ी यूट्यूबर जितने भी हैं वो परेशान हैं, स्पेशली जो नए यूट्यूबर हैं वो पॉलिसी मैं आपसे अब शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब आज लाजमी कर दें, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों पॉलिसी ये है कि अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे मुकम्मल कर लिए हैं या इससे पहले या इससे बाद मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है, मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले अगर आपके चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ गया है तो आप 90 डेज के लिए वेट करेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते। लो जी आप क्या करोगे बताओ, मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को यार। पहले 3 महीने, 3 महीने, 90 डेज कोई थोड़ी बात नहीं है, 3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो 3 महीने जिसने 1 साल लगातार मेहनत की है, उस बेचारे ने 1000 सब्सक्राइबर मिन्नतें तरले करके पूरे किए, 4000 घंटों का वॉच टाइम किसी तरीके पूरा किया, या बाज जो है वो परचेज़ कर लेते हैं पैसे, फिर भी उसने लगाए तो ज़रूर हैं। अब अगर कोई कम्युनिटी का देखो 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए और 3999 उसके वॉच टाइम भी पूरा हो गया, कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ गया, 3 महीने वेट करना पड़ेगा। यार YouTube ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी दी हैं लेकिन इस पॉलिसी से सिर्फ मैं नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं वो मुतमिन नहीं हैं और वो ये कह रहे हैं कि YouTube से ये रिक्वेस्ट करो कि इस पॉलिसी को काइंडली, खुदारा ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को आप चेंज करो, बहुत सख्त पॉलिसी दे दी है। तो यार आप जो नए क्रिएटर्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स जो नए नए उभर रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, उनका तो ये बात सुन के ही उनका दिल उठ जाएगा कि यार अगर एक कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक भी आ गया तो 3 महीने के लिए वेट करें, उसके बाद, अच्छा 3 महीने वेट किया उसके बाद अगर दोबारा आपने अप्लाई अभी किया नहीं है, दोबारा और स्ट्राइक आ गया, 3 महीने फिर बैठे रहो, कर लो गल, क्या करोगे। तो यार रिक्वेस्ट है आप हर प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब की तरफ जो है आवाज़ उठाएँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि यूट्यूब टीम से ये रिक्वेस्ट करें कि काइंडली आप ये पॉलिसी अपनी चेंज करें, हमें ये मंजूर नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, या जिसको नहीं भी आई, मुझे लगता है पसंद तो नहीं आई होगी, स्टार्ट में थंबनेल देख के आपको शायद अच्छा लगा हो लेकिन अंदर सुन के आपको पता नहीं, आप भी जो है वो आपे से बाहर हो गए होंगे कि पता नहीं अब क्या हो गया। अगर चैनल आपका काफ़ी हद तक बन भी चुका तो आपका दिल जो है वहाँ से आप भी स्टार्ट हो जाएंगे। बस अब आगे और मैं क्या कहना चाहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता, बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।